Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will start our hadith class, and the book we chose is Sahih Bukhari. Sahih Bukhari is the second most important book in Islam after the Holy Quran. Just a minute. Sahih Bukhari is the second most important book in Islam after the Holy Quran, and it is a book which is accepted by all sects. For example, in Pakistan we have many sects and you know what they do with each other, but still Sahih Bukhari and Holy Quran are the books that are accepted by all sects, whether it is Bahai, whether it is Deobandi, whether it is Salafi, or whether it is Ahl Hadith. So it is a book on which every Muslim agree. So today we have chosen this book, and it is the second most important book in Islam after the Holy Quran. So it is written by Imam al-Bukhari, Kitab Bida'ul Wahi. So first we will try our best to read this book in Arabic. So in this book you have Urdu translation, but do not look at this translation. Try to read this book in Arabic. Kitab mean book, Bida means start, Bida mean start, Al-Wahi mean revelation. So इसको आपने उर्दू में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है? चलें ठीक है जी, उर्दू में हम इसको पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं. तो यानी कि वही का जो शुरू हुई है वो कैसे हुई, तो बिदाल वही का मतलब है जो वही शुरू हुई वो कैसे हुई. अब यहाँ पे देखें कि किताब का नाम सही बुखारी है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है किताब बिदा अल वही. तो इस तरह होता है कि जो चैप्टर्स के मजमूए हैं ना, चैप्टर्स के मजमूए, उनको भी हम कहते हैं किताब. उनको हम क्या कहते हैं, रिपीट करें, किताब. किताब. तो इसमें बिदा अल वही में यानी कि वही के मुतालिक जितने भी चैप्टर्स हैं इस किताब के, वो सब के सब इमाम बुखारी ने इसके अंदर डाल दिए हैं, और इस चैप्टर को सबसे पहले लिखा, क्योंकि तौहीद सबसे पहली चीज़ है, तो उन्होंने इसलिए इसको यहीं से शुरू कर दिया. यानी कि वही का नज़ूर कैसे हुआ. अब आगे आते हैं, ये सब्ज़ लाइन लिखी हुई है, कौला. कौला ये आपने आज ही पढ़ा है, माजी का टेंस. कौला कौन सा टेंस है, माजी. कौला का मतलब है उसने, माजी. उसने कहा. कौला का मतलब है उसने कहा. उसने कहा. अब आगे ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है, ये पूरा इमाम बुखारी का नाम लिखा हुआ है, अशेखुल इमामुल हाफिजु अबू अब्दिल्लाही मुहम्मद नु इस्माईल अबनी इब्राहिम अबनी मुगीरत बुखारी. ये पूरा का पूरा इनका नाम है, यानी कि इमाम बुखारी ने कहा. राहिम, रहम एक लफ्ज़ है, हो उसका. तो रहम का मतलब है रहम उस पर, अल्लाह ताला का, यानी कि उन पर, इमाम बुखारी पर अल्लाह ताला का रहम हो, और साथ ही हमने कहा आमीन. खैर इसको हम आगे चलते हैं. फिर है पहला बाब, यानी कि पहला चैप्टर है इस किताब का, इस ये जो बिदाउल वही यानी कि वही का जो स्टार्ट है, इसका जो पहला चैप्टर है इसका नाम है बाबू. बाबू का एक मतलब आपने पढ़ा था दरवाज़ा, यहाँ पे इसका मतलब है चैप्टर. बाब का मतलब है चैप्टर. कैफा का मतलब आपने पढ़ा हुआ है, कुछ याद है आपको क्या है कैफा? कैसे. हाँ कैसे. काना काना माजी के लिए इस्तेमाल होता है. बदू वो स्टार्ट को कहते हैं, अल वही वही को कहते हैं. तो बाबू कैफा काना बदुल वही, कैसे वही का नज़ूल शुरू हुआ. कैफा काना बदा उल वही, वही का नज़ूल कैसे शुरू हुआ. इला रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही का नज़ूल कैसे शुरू हुआ. ठीक है, तो ये इस बाब का मतलब है. आप लोगों ने तर्जुमे को नहीं देखना ज़रा भी, क्योंकि अभी जो मैंने तर्जुमा किया वो उससे बज़ाहिर लफ्ज़ी लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा मुख्तलिफ बनता है. ये बात है कि नहीं है? Yes, तो अरबी में यही अरबी की ख़ास बात है कि इसका कोई बंदा भी एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं कर सकता. बड़े बड़े उल्मा के आप कुरान के तर्जुमे देखें, उनको अपने सामने रखें, तो आप हर उल्मा का जो तर्जुमा है वो दूसरे से बज़ाहिर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, हालांकि कुरान में एक एक लफ्ज़ सही है,
यानी कि सब का सेम है, लेकिन जब तर्जुमा करते हैं तो तर्जुमे में थोड़ा सा फ़र्क आता है। इसी तरह सही बुखारी को देख लें, ये अब एक एक लफ्ज़ इसका अलहम्दुलिल्लाह सेम है, जिसकी वजह से सबका इतफाक़ है, लेकिन जब तर्जुमा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा तब्दीली आ जाती है, क्योंकि अरबी ऐसी ज़बान है जिसका हम एग्जैक्ट तर्जुमा कोई बंदा कर ही नहीं सकता। तो इसको हम समझने के लिए हमें अरबी सीखना पड़ती है, उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो हमने कोशिश यही करनी है इसको अरबी में पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका जी चैप्टर सर, का नाम आपने सीख लिया अरबी में, तो कल आपने इंशाल्लाह इसको अरबी में ही पढ़ना है। वकौलु, वाह का मतलब है और, वाह का मतलब है और। कौलु उसका कौल, कौलुल्लाही जल्ला और अल्लाह ताला का कौल। जिक्र का मतलब है याद करो, जिक्र का मतलब है याद करना, हु, याद करना, और हु का याद मतलब है करना उसे, हु का मतलब है अल्लाह को। नहीं, अल्लाह नहीं, इस कौल की बात हो रही है। हु का मतलब है उसे, जिक्र हु उसे याद करो, उसे यानी कि जो अल्लाह ताला का कौल है उसको याद करो, ये इसका मतलब है। वो कौलुल्लाह ही जल्ला जिक्र हु, और अल्लाह ताला का ये वो कौल याद करो। अब अल्लाह ताला का कौल हम पढ़ते हैं क्या है, वो क्योंकि इमाम बुखारी ने हमसे कहा है कि अल्लाह ताला का कौल याद करो, साथ ही उन्होंने हमें कौल भी बता दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना, इन्ना का मतलब है बिला शोबा, बेशक, इन्ना का मतलब है बेशक बिला शोबा। अब अगला लफ्ज़ है अवहैना, ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, पहला लफ्ज़ है अवहै और दूसरा लफ्ज़ है ना, नून फतह अलिफ ना। अवहै का मतलब हुई वही नाजिल की, ना का मतलब है हमने, ना का मतलब है हमने। तो अल्लाह जी ताला सर, फरम हमने वही किया। अब अल्लाह एक है लेकिन लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया हमने। तो ये अरबी का असूल है कि जब भी किसी बात में वज़न पैदा करनी होती है तो हम बोलते हैं हम, हालांकि अल्लाह एक है लेकिन बाद में वज़न पैदा के लिए करने के लिए अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया हम। इन्ना हाउन आहिना, बेशक हमने वही नाजिल की। इलई का, इलई का दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, पहला लफ्ज़ है इलई और दूसरा लफ्ज़ है का, इन दोनों के मतलब आपको आते हैं। आसिया बताएं इलई का क्या मतलब है। जी, आपकी तरफ, जी, आपकी तरफ, और का मतलब है आपका, आपकी, ठीक है, इलेही का आपकी तरफ। आप तो इसमें आपकी तरफ से मुराद हजूर सिस्टम है, यानी कि अल्लाह ताला ने हजूर सिस्टम को मुखातिब करके कहा कि बेशक हमने आपकी तरफ वही नाजिर की। कमा, कमा का मतलब है जैसा के, कमा का मतलब जैसे है के जैसा के। औ है ना, ये दोबारा वही दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, हमने हमने नाजिल नाजिल किया, की। इला नूहिन, नू की तरफ। नो की तरफ। वन नबीना और नबियों की तरफ, ये जमा नबियों है। की तरफ, नबियों जी की तरफ, जी दो से ज़्यादा नबियों को कहते हैं नबीना। नबीना। मिन बाद ही, जो उसके बाद, बाद का लफ्ज़ बाद ही भी दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, पहला लफ्ज़ है बाद और दूसरा लफ्ज़ है ही। तो बाद को उर्दू में बाद ही कहते हैं, ही उसके बाद, यानी कि जो जैसे उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसे हमने आपकी तरफ बिला शुबा हमने आपकी तरफ वही नाजिल की जैसा कि नूह और उनके बाद वाले अनबिया पर वही नाजिल की थी। नाजिल भी की। जी अलुमा, समझ आ गई है ना, यस, मिस अलुमा, इनकी लाइन तो ड्रॉप नहीं होगी, जी। हेलो, समझ आई है कुछ? जी, आवाज आ रही है। यस सर, थोड़ी सी आई है, बट जी आर डि आप डिफिकल्ट फॉर मी। तो सर, मैं अभी इसको दोबारा, यानी कि एक दफा जैसे आप पढ़ा रहे हैं, वैसे तो समझ आ गई है जो आपने कंप्लीट की है, लेकिन ठीक, ये है कि इसको दोबारा मैं जब सुनूंगी ना, इंशाल्लाह फिर कंप्लीट समझ आ सर जाएगी। मैं रीड कर थोड़ा थोड़ा लूंगी या डिफिकल्ट नहीं लग आई रहा है समझ मुझे। तो आप बता देंगे। चलें ठीक है, आसिया आप इधर रीड करें से। ठीक है बाबू, कैफा काना बाबू, चैप्टर कैफा, जैसे कि खाना, कैफा का मतलब है खाना कैसे, कैफा का मतलब है कैसे। कैसे, खाना बदुल वही, शुरू भी वही, कैसे वही की, वही शुरू हाँ, कैसे वही की इब्तिदा हुई, कैसे वही शुरू हुई। इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि कैसे वही की मुझे वो शुरू हुई,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ठीक है। वकौलुल्लाह से अल्लाह की कौल। हाँ, अल्लाह का कौल। ये हमने दुरूसुल लुगतिल अरबिया में, याद होगा, पढ़ा था कि जो मुजाफ होता है उसके ऊपर हम दम्मा लगाते हैं, और जो मुजाफ इलैही होता है उसके आखिर में कसरा लगाते हैं। तो अल्लाह का कौल है, इसमें हम इसलिए कौल पे हमने दम्मा लगाई और अल्लाह की आखिर में कसरा लगाई। कौल अल्लाह, अल्लाह का कौल जल्ला जिक्रुहू, अल्लाह के कौल को याद करें। ठीक है, इन्ना बेशक, वे ठीक है, बिला शुबा, बिला शुबा। ओहैना बेशक हमने नाजिल किया, इलैका आपकी तरफ, कमा जैसे कि ओहैना नाजिल किया हमने, इला नूहिन नूह की तरफ, ठीक है। वन्ना बीना और नबियों की तरफ, मिन बाद ही जो उनके कौम बाद जैसे है, नू के बाद है, नूह यानी के के बाद है, जैसे ही हाँ नूह उसके के बाद बाद के है, मुराद है नबियों नू के अलैहिस्सलाम। बाद, ठीक नूह है, अलैहि सलाम। यानी कि नू अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी थे उनकी तरफ जैसे वही नाजर की, उसी तरह जोर सलाम के ऊपर वही नाजर की। जी अलूम, आप ट्राई करें से। ओके सर, सर एक मिनट दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकौलुल्लाही, और अल्लाह पाक का फरमान है, ठीक, जल्ला जिक्रुहु, बिला शुबा, नहीं, जल्ला का मतलब है अजवजल, जिक्रुहु अल्लाह का फरमान है। ओके सर, जिक्रुहू उसे याद करो, जिक्रुहू उसे याद करो। जिक्र हो उसे याद करो। वह कौलुल्लाही अल्लाह का फरमान है, जल्ला जिक्र हो के उसका जिक्र करो। नहीं, वो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के उस कॉल को याद करो। इमाम बुखारी आपसे कह रहे अल्लाह हैं, ताला के को, हाँ, अल्लाह जी ताला के उस कॉल को याद करो। अब कॉल अल्लाह ताला का है, वो आगे लिखा हुआ उन्होंने। ओके सर। इन्ना ओहैना, इन्ना इन्ना मीन सर, बेशक, बिला शोभा। बेशक, बिला शुबा, बेशक ओहैना, ओ मीन और, आओ हाई एक लफ्ज है, हमने आओ हाई नाजिल की, वही भेजी, वही नाजिल आओ हुई। है ना, और हमने नाजिल की, हमने वही भेजी, इलाही का उन पर, आपकी तरफ, का मतलब है आपकी तरफ। आपकी तरफ, इलाही का आपकी तरफ, कमा जैसा कमान जैसा कि कि अवहैना भेजी गई, और वही भेजी गई, जैसे हमने भेजी या इला नाजिल की। जैसे हमने भेजी, इला नूहिन टुवर्ड्स नू नू की तरफ, ठीक है, वन नबी येना और नबियों की तरफ, ठीक है, मिनल बाद ही, आफ्टर दैट यानी कि उनके बाद, हाँ, नबियों यानी के बाद, नू के आफ्टर दैट, बाद, नू के बाद, मीन नू बाद के बाद, ही। नू के बाद, ये नू जैसे के नूह बाद, के बाद अनबिया पर वही नाजिल की, वैसे ही आप सल्लम पर वही नाजिल की अल्लाह ने। ये अल्लाह ताला हाँ जोर से बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब आते हैं, आई नीड अ मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। जी बिल्कुल सर, जी इस जी पे बिल्कुल गौर से इसको सुनना, कोई सवाल वाला पूछने तो अभी पूछ लें। नहीं सर, ठीक है। अब आते हैं हदीस नंबर 1, इसको कहते हैं उम्मुल हदीस, यानी कि तमाम जो हदीस है ना, इसमें इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है इस हदीस को, क्योंकि पूरे जो दीन की बुनियाद है ना हमारी, वो इस हदीस पे है। और इस हदीस की बुनियाद पर हम कहते हैं कि बाज़ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनका सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं बंदे जिनका अमल बज़ाहिर बहुत कम होता है, लेकिन बड़े बड़े मुत्तकी लोगों से वो आगे निकल जाते हैं। तो ये हदीस हम बेशक, इसमें पढ़ेंगे बेशक, कि ऐसी क्या वजह है। तो पहले इस हदीस पे ज़रा देखें, ये शुरू हो रही है हदसना, और
नीचे उमर बिन खताब तक, ये सब का सब इसका हवाला लिखा हुआ है। ठीक है, रावी ये हदीस की सिक्योरिटी के लिए होता है, इसी वजह से इस किताब को बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है, क्योंकि इमाम बुखारी ने इसकी जो हवालों की जो सिक्योरिटी की है बहुत सख्त की है, कि एक किसी बंदे ने हल्की सी भी कोई झूठ वगैरह बोला हो तो उससे उन्होंने हदीस एक्सेप्ट नहीं की, एक एक बंदे की उन्होंने मुकम्मल जाँच पड़ताल की है। हमने ये हवाला तो याद नहीं करना, तो मैं एक दफ़ा पढ़ूंगा, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक, वरना कोई इसको मसला नहीं है। हदसना, हदसना दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। पहला लफ्ज़ है हदस, यानी कि हदीस को कहते हैं। हदसना हमने सुना, इमाम बुखारी फरमा रहे हैं कि हमने सुना, बाद में वज़न डालने के लिए उन्होंने कहा हमने सुना, लेकिन इमाम बुखारी सिर्फ एक बंदे हैं। तो इमाम बुखारी ने फरमाया हदसना हमने सुना, अलहमीदु अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, ये एक बंदे का नाम है, इमाम बुखारी ने इस बंदे से सुना। काला उसने कहा, यानी कि ये जो बंदा है ना हमीद अब्दुल्ला, जी, अच्छा ये ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे देख रही थी, मुझे इसकी अच्छा चाहिए और ठीक है जी। तो इमाम बुखारी ने इस बंदे से सुना, कौला इस बंदे ने कहा, कौला से मुराद है उसने कहा, तो उससे मुराद ये बंदा है उमीदी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। फिर कौला उस बंदे ने कहा, हदसना हमने सुना, यानी कि मैंने सुना, उस बंदे ने सुना, सुफियान उस बंदे ने सुफियान से सुना, कौला सुफियान ने कहा, हदसना यहया बिन सईद अल अंसारी, कि उस सुफियान ने यहया बिन सईद से सुना। फिर यहया कहते हैं कि कौला, यहया ने कहा, अखबिरनी मुझे खबर दी, अखबिरनी मुझे खबर दी मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी ने, कि इस यहया को खबर दी है मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी ने, अन्नहु के समिया उसने सुना, कि उसने सुना, अलकमा बिन वकास से, यकूलू जो कह रहा था, या जो कहता है, यकूलू कहता है। आज हमने पढ़ा कि जो या हम शुरू में लगाते हैं ये मुजारे के लिए लगाते हैं, यकूलू कहता है, समी तो मैंने सुना, समी तो रिपीट करें, समी तो परंतु मैंने सुना। मैंने सुना। हाँ, यानी कि अलकमा फरमाते हैं कि मैंने सुना उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि इस अलकमा ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, अला मेम्बरी मेम्बर पर, कौला यानी कौला से मुराद उसने कहा, और उससे मुराद उमर बिन ख़त्ताब है। ये सब इसका हवाला था, यह आपने याद नहीं करना। हमने कहाँ से हदीस शुरू करनी है, कि उमर बिन ख़त्ताब ने मेम्बर पर फरमाया, तो कौला उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, समीतु रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समीतु का क्या मतलब है वाल आसिया? सुना, मैंने सुना, मैंने सुना, समीतु मैंने सुना। तो उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यकूलू वो फरमा रहे थे, इन्नमा इन्नमा इन्नमल एमालो बिन्निया। इन्नमा यानी के तमाम जो अमाल हैं उनका जो दार मदार है वो नीयतों पर है। अमाल अमल की जमा अमाल है, और नीयत की जमा नियात है, बिन नियात नीयतों पर, यानी कि जो तमाम अमाल हैं उनका जो दार मदार है वो नीयतों पर है। व इन्नमा लिकुल्ली अमरी मानुवा, और बेशक हल जो बंदा है उसको वही मिलेगा जो इसकी वो नियत करेगा। इन लफ्ज़ों की मैं ज़्यादा तफसील में अभी नहीं जा रहा वैसे। फमन काना तो पस, फमन काना तो पस, कानत हिजरतुहु, हिजरतुहु दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। पहला लफ्ज़ है हिजरत, और दूसरा लफ्ज़ है हो, उसकी हिजरत, तो जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ हो कि उसको हासिल करे, हिजरतुहु इला दुनिया, जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ हो, युसीबुहा ताकि उसे हासिल करे, आओ या, आओ का मतलब है या, इला अमरातिन किसी औरत की तरफ हिजरत हो, यनकिहुहा ताकि उसके साथ निकाह करे, फहिजरतुहु
फिर उसकी हिजरत, फा का मतलब है फिर, हिजरत हिजरत को कहते हैं, हो उस बंदे की हिजरत, इला मा हाजरा उसकी तरफ जिसकी तरफ उसने हिजरत की उसी के लिए, यानी कि जिस मकसद के लिए उसने हिजरत की उसी के लिए उसकी हिजरत नामे माल में लिखी जाएगी। अच्छा, अभी आप लोगों का अरबी बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि आप इसको मुकम्मल एक एक लफ्ज़ को अरबी में समझें। जो लफ्ज़ आपको समझ आते हैं ठीक, जो समझ ना आए कोई मसला नहीं। मैं अभी आपको काम दूंगा, आपने करना क्या है, इसमें आपने ये करना है कि पहले जो चैप्टर का जो नाम आपने पढ़ा था ना, वो आपने याद करना है। क्या करना है? याद करना है सर। हाँ किताब किताब बिदल वही। ठीक है, किताब का नाम है बिदाउल वही, फिर उसके बाद चैप्टर का नाम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा कैसे हुई, ये इस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है इस किताब का, तो ये आपने याद करना है। ठीक सर। दो चीज़ें आपने ये याद कर ली कि किताब सही बुखारी, किताब बिदाउल वही, और बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा कैसे हुई। ये हाँ, ये याद करने के बाद आपने फिर ये याद करना है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अनु ने सुना कि, या उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की है। अब जिसकी हिजरत दुनिया को हासिल करने के लिए हो तो उसकी हिजरत उसी के लिए होगी, या अगर किसने औरत से शादी करने के लिए हिजरत की है तो उसकी हिजरत भी इसी मकसद के लिए लिखी जाएगी। तो इस हदीस की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि अगर कोई नमाज किसी को दिखाने के लिए पढ़ता है या कोई नेक अमल किसी को दिखाने के लिए करता है तो उसके दीन में कोई अहमियत नहीं है, वो सब का सब ज़ाया हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसलिए इसको उमल हदीस कहा जाता है। तो ये हदीस आप लोगों ने आज याद करनी है बस, ठीक है? हदीस उर्दू में याद करनी है इंशाल्लाह सर। जी, उर्दू में तो आपने ज़बानी याद करनी है, और अरबी का ये है कि कल मैं आपसे कहूँ कहूँगा देख कर इसको पढ़ें, और जो जो लफ्ज़ आपको समझ आते हैं वो मुझे बताएं। जैसे अभी आसिया आपने पहले पढ़ा था ना बाप का नाम, उसी तरह आप इस हदीस को पढ़ने की ट्राई करें, यहाँ से शुरू करें, यकूलू उसने कहा, वो कहता है, समी तो उमर बिन ख़ताब, मैंने सुना उमर बिन ख़ताब से, यहाँ से शुरू करें। यकुलु वो कहते हैं, ठीक है। समया तो मैंने सुना, उमर इब्न अल खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अलल मिंबर, मिंबर पर, उमर बिन खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मैंने सुना मिंबर पर, मिंबर पर काला कहते हैं, काला कौला कहा, कहते हैं, समय कौला माजी है, कहा। कहा कहा समय तो मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकूलू कहते हैं, इन्नमा इन्नमल आमालो बिन्नियाती, बेशक अमाल अमाल का दारोमदार नियतों पर है, इन्नमा और बेशक लिकुल लिकुल लिम्री इमरी से मुराद बंदा है, मर्द। हर किसी के लिए आला। मानवा जिसकी वो नियत करे। और हर बंदे के लिए वही है जिसकी उसने नियत की है। जिसकी उसने नियत की है, मन बस वो जो कानत करे हिजरत हो, हिजरत हो इसकी तरफ, उसकी हिजरत, उसकी हिजरत इला दुनिया, दुनिया की तरफ हो तो निकल जाएगा, रिसीव हुआ दुनिया को हासिल करने के लिए। दुनिया को हासिल करने के लिए आओ, या इलल अम्र हाँ, औरत की तरफ, या उस काम या औरत की तरफ, यन के हाँ निका हाँ, यन से मुराद, या से मुराद वो बंदा है जिसने हिजरत की है औरत की तरफ, ना कि निकाह को कहते हैं, हाँ उस औरत के साथ, यानी कि उस औरत के साथ निकाह करे, उस औरत की तरफ हिजरत करे ताकि उसके साथ निकाह करे। हिजरत की उसकी तरफ इला। एक्सक्यूज मी सर, जी
जी सर एक्चुअली आई हैव टू गो, माय बेबी इज नॉट वेल, ओके। तो सर इंशाल्लाह मैं, आपने जिस तरह कहा इसके अलावा तो नहीं पढ़ाना सर आपने? नहीं बस एक ही हदीस आज पढ़नी है। चल ठीक है सर, कल इंशाल्लाह फिर इसको अच्छी तरह याद करके तो फिर आपको मैं, यानी कि जिस तरह आप पूछेंगे और सारा उस तरह हम सुना दूंगी मैं, ठीक ठीक है है जी, सर ठीक है आपका। जी। लेकिन सर एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो लेक्चर है ना सर, ये प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा शाम को ही अभी, यानी कि अगर आप इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो। ठीक है जी। ठीक है, जजाक अल्लाह खैरा सर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।